हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का स्टार ऑलराउंडर जो कि इंजरी की वजह से परेशान है हार्दिक पांड्या, लेकिन अब इनके जो फिटनेस के लेकर अपडेट है बेहद ही बड़ा अपडेट है। इसके अलावा इनके फिटनेस से जो सबसे ज़्यादा चिंता में है वह है श्रेयस अय्यर। बता दें कि श्रेयस अय्यर अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, बेहद ही अहम मौके पर वह फेल हो चुके हैं। इसके अलावा सिर्फ एक अर्धशतक लगाए, वह भी बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ जीता हुआ मुकाबले में, यानी कि टीम इंडिया के लिए इसका कोई बड़ा योगदान नहीं। श्रेयस अय्यर जिसमें टीम इंडिया हार रही थी और उसमें आकर मुकाबले जिताए हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि बता दें कि हार्दिक पांड्या 2 मैचों से इंजर्ड चल रहे थे, इस वजह से उनके जगह पर सूर्य कुमार यादव को शामिल कर लिया गया है। और बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने कमाल का बल्लेबाजी किया है इंग्लैंड के खिलाफ, बेहद ही मुश्किल पिच पर टीम इंडिया के लिए बेहद ही मुश्किल समय में शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने एक बड़ी रन बना दिया जो कि एक ठीक ठाक स्कोर था, जिसे और फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बचा भी लिया। तो अब बात आते हैं हार्दिक पांड्या पर। तो बता दें कि हार्दिक पांड्या लगभग फिट हो चुके हैं, लेकिन बता दें कि टीम इंडिया बेंगलुरु में अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी नीदरलैंड के खिलाफ, वही मुकाबला खेलते हुए नजर आने वाले हैं हार्दिक पांड्या। इससे पहले ना श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे और ना ही बता दें कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे। यह दोनों मुकाबला फिर से मिस करने वाली है, क्योंकि BCCI हो या फिर टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं हार्दिक पांड्या के मामले में, क्योंकि टीम इंडिया लगभग सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। ऐसे में पूरी तरह से हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए एक बेहद ही बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि हार्दिक पांड्या अगर शामिल होते हैं टीम इंडिया में तो किन के जगह पर खेलेंगे, क्योंकि बता दें कि सूर्य कुमार यादव तो ऑलरेडी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसे में अब बड़ी अपडेट आ रही है कि श्रेयस अय्यर को बाहर किया जा सकता है और उनके जगह पर सूर्य कुमार यादव खिलाया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि हार्दिक पांड्या जो कि अपने छठे स्थान पर बरकरार रहेंगे, तो ऐसे में श्रेयस अय्यर के लिए बेहद ही बड़ा झटका है और श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मुकाबला बचा है उनके लिए खुद को साबित करने के लिए। अगर खुद को साबित करते हैं श्रेयस अय्यर तो अपना जगह बचा पाएंगे, नहीं तो फिर शायद ही उनका जगह बने टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में वर्ल्ड कप 2023 का। तो आपका क्या राय इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।